दोस्तों 2024 अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। और इस रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ट्रंप की ये जीत ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि ट्रंप के ऊपर गोली चलाई गई, उनको मारने की कोशिश की गई, सेक्सुअल हरासमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े केस होने के बावजूद अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत नहीं तो क्या है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी हो, ट्रेड हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना हो, हर जगह अमेरिका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व रहता है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के इलेक्शनों पर रहती है और पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती है कि किस पार्टी का कौन सा लीडर अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में और ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे के सच के बारे में, क्या वो की पॉइंट्स थे, पूरा एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे एजुकेशन वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। After election night 2024, Donald Trump returning to the White House after his decisive victory over Vice President Kamala Harris. आप सभी को पता होगा कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक रूप से जन्मा नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और कम से कम 14 वर्षों से संयुक्त राज्य का निवासी होना चाहिए। 22वां संविधान संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 बार या 2 से अधिक बार राष्ट्रपति चुने जाने से रोकता है। अमेरिका में हर 4 साल के बाद नवंबर में आम चुनाव होता है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है जिसमें मतदाता डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते, बल्कि मतदाता एक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के समूह के लिए मतदान करते हैं और जो यहाँ पे निर्वाचित होते हैं वो लोग सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसी तरह से अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम चलता है। भारत के इलेक्शन सिस्टम से बहुत ज़्यादा अलग है और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको डिस्कस एक किसी और वीडियो में हम करेंगे। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं और 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 50% वोट यानी 270 वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलेगा वो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बन जाएगा। अभी 2024 के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन चलने लग रहे हैं उसमें रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस आमने सामने हैं और ये दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए आपस में लड़ने लग रहे हैं। इन दोनों के अलावा अदर कैंडिडेट्स भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं तो कुछ छोटी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको टोटल वोट शेयर का 1% भी नहीं मिल पाया, इसलिए मेन जो दो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो ये दोनों ही रह जाते हैं। देखो प्यारे देश भारत में जैसे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है कांग्रेस, वैसे ही अमेरिका में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती आई है आज से नहीं इतिहास काल से। वो पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी, जिस पार्टी से जो बाइडन बिलोंग करते थे, जिस पार्टी से कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रही थी वो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं वो है रिपब्लिक पार्टी। अब ये दोनों पार्टी केवल नाम से ही अलग अलग नहीं है बल्कि आइडियोलॉजी से भी पूरी तरह से अलग हो आइडियोलॉजी से भी पूरी तरह से अलग है। जैसे आप इकोनॉमी पे बात कर लो, इन्फ्लेशन पे बात कर लो, जियोपॉलिटिक्स पे बात कर लो या फिर वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस की बात कर लो, इन दोनों पार्टियों का सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी चीज़ों को अलग वे में हैंडल करती है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर डोनाल्ड ट्रंप के समय हो रही होती तो ये लोग शायद अपने हाथ पीछे खींच लेते या तो फुल स्केल वॉर में उतर जाते। इस तरह के फैसले होते हैं रिपब्लिक पार्टी के। और वहीं कमला हैरिस की पॉलिटिकल पार्टी, जो बाइडन की पार्टी, बहुत सॉफ्ट तरीके से फैसलों को लेती हैं। रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को 50 स्टेट के 338 इलेक्टोरल वोट में से 295 वोट मिलते हैं और इस तरह से वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत जाते हैं और बन जाते हैं यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट। देखो ये इलेक्शन था कमला हैरिस और जो बाइडन के बीच में। जो बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और उन्हीं की अगली कैंडिडेट खड़ी हुई थी कमला हैरिस। कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी ने वही गलतियां करी जो जो बाइडन ने करी, वही प्रॉमिसेस लोगों से करे गए जो बाइडन ने पूरे नहीं करे। कमला हैरिस की पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पॉलिसीज नहीं बदली। जो बाइडन ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जो प्रॉमिसेस किए थे जनता से, उन्हीं प्रॉमिसेस को कमला हैरिस ने अपने समय में दोहराया। और आसान भाषा में आपको इसको समझाता हूँ। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 5 सालों से रूल करने लग रहे हैं
अब एक नया इलेक्शन आता है और एक नया कैंडिडेट बीजेपी की ओर से मैदान में उतारा जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनता से 10 वादे किए थे, 10 वादों में से वो 7 वादे पूरे नहीं कर पाए और जो नया कैंडिडेट होता है वो पुराने 10 वादों को फिर से रिपीट करने लगता है। तो जनता ऐसे समय में नाराज होती कि भाई पहले आपने जो प्रॉमिसेस करे थे पिछले 5 सालों में उनको तो पहले पूरा कर लो, फिर आप अगले कुछ वादे करना। जनता पहले से ही जो बाइडन से बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उनको वो निभा ही नहीं पाए। इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, टैक्स अमेरिका के लोगों पे बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है, वॉर में अमेरिका को धीरे धीरे धकेला जा रहा है, चाइना धीरे धीरे हावी होता जा रहा है, बिजनेस छीनता जा रहा है अमेरिका से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे अमेरिका की जनता जो बाइडन से नाराज़ थी। द टेलीग्राफ के एक लेख के अनुसार जब मतदाता दुखी होते हैं तो वो सत्ताधारी को नहीं जिताते और जो बाइडन ने पिछले 4 वर्षों में अमेरिकियों को बहुत ज़्यादा दुखी किया है, मुद्रास्फीति पे बड़े पैमाने पे चलाई गई अपनी नीतियाँ, बेरोजगारी की व्याप्त नीतियाँ और अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट, इन सब चीज़ों को अगर समेटा जाए तो जनता वोट नहीं देने वाली। अगर जो बाइडन रियलिटी में कुछ अच्छा करना चाहते तो रशिया यूक्रेन वॉर को वो रोक सकते थे, अमेरिका की इकोनॉमी जो क्रैश होने लग रही थी वो बेहतर हो सकती थी। और अगर आप जो बाइडन की कई स्पीचों को देखोगे तो ये स्पीच देते तो सो जाते भाई, अलग ही इनका रवैया है। फिर इनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई सो मत, उठ जाओ, फिर से वापस से स्पीच आपको देना है। ये वो कुछ अहम मुद्दे हैं जिन्हें आप डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 100 दिनों की चुनावी कैंपेनिंग को एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जनता के मुद्दों को काफ़ी ध्यान से उठाया है, चाहे मिडिल क्लास के ऊपर लगने वाला टैक्स हो, चाहे अमेरिका की इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन हो, एम्प्लॉयमेंट रेट्स हो, या फिर रूरल अमेरिकन माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करना हो, हर चीज़ में रिपब्लिक पार्टी के पास कुछ न कुछ था लोगों को देने के लिए। और इन 100 दिनों के चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे बड़ा जनता से वादा करा वो करा टैक्स रेट्स को कम करने का। अमेरिका में मिडिल क्लास पे काफ़ी हाई टैक्सेस लग रहे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम इन टैक्स रेट को कम कर देंगे, और जब वो ये वादा वो करने लग रहे जनता से तो मिडिल क्लास तो भर भर के वोट देगा ही देगा। जो रूरल अमेरिकन्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया खास तौर पर, उनके ऊपर जो टैक्स लग रहे थे उनको काटा गया, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराई गई और ये प्रॉमिस करा गया कि हम सारी वॉर को रोक देंगे, अमेरिका को जिन जिन वॉरों में धकेला जा रहा है उस सब से हम अपने आप को दूर कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का 5 साल का टर्म भी एनालिसिस करोगे तो जो बाइडन से तो अच्छा ही काम उन्होंने करा है, टैक्स रेट उनके समय कम था, इकोनॉमी भी ठीक ठाक स्थिति से ग्रो हो रही थी और जो बाइडन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ट्रंप एक बहुत बोल्ड लीडर है, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, जब स्पीच देते हैं तो जनता को बांध के रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बाइडन तो सो जा रहे थे, ये बंदा ऐसा है जो स्पीच में जनता को बांध के रख रहा है। वर्ल्ड लीडर्स के बीच भी जो बाइडन की अपेक्षा ट्रंप की बहुत ज़्यादा पकड़ है। मैं यहाँ पर बार बार जो बाइडन का कंपेरिजन डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस पार्टी की सरकार थी वो जो बाइडन की सरकार थी और जो बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही कमला हैरिस खड़ी हुई थी। अमेरिका की जनता और भारत की जनता में फ़र्क इतना सा ही है कि भारत की जनता सकल देख के वोट दे देती है लेकिन अमेरिका की जनता काम देख के वोट देती है। जो बाइडन की सरकार ने जो लीपापोती करी थी और उन्हीं लीपापोती को सुधारने की बात कमला हैरिस करने लग रही थी तो अमेरिका की जनता ने सीधा बोला भाई तुम लीपापोती मत करो, हम बदल देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो करेगी जो करना है। अगर आप अमेरिका के इतिहास को एनालिसिस करोगे तो 1960 के दशक से जो रूरल अमेरिकन्स होते हैं वो लोग अपना वोट ज़्यादातर रिपब्लिक पार्टी को देते आए हैं, लेकिन 2016 और 2024 में इन लोगों ने अपना इलेक्शन वोट्स को काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करा। लेकिन इस इलेक्शन का अगर आप एनालिसिस करोगे तो रूरल अमेरिकन्स हो चाहे माइनॉरिटीज़ हो, इन सब का जिक्र किया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में। हर किसी लोगों के लिए कुछ न कुछ था डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में, इसलिए इन लोगों का भी सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी को मिला और काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े। इस वीडियो का कॉन्क्लूजन यही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और काफ़ी अच्छे वोटों से जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स है और इनकी चर्चा एक अलग वीडियो में ही हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके लिए एक प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिक पार्टी कब फाउंड हुई थी? ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जो भी बंदा सही ऑप्शन देगा कमेंट सेक्शन में मैं उसको हार्ट दे दूंगा और पिन कर दूंगा, तो आप उससे अंदाजा लगा लेना कौन सा सही ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप इंस्टा के स्टेटस पर लगाइए और मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।